हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा जेड वन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डायल पैड टोन सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए और आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड का, साउंड पे सिलेक्ट करना है। अब आपको साउंड के इस पेज में नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डायल पैड टोन का, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको एक बटन दे रखा है, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी डायल पैड टोन सेटिंग आपकी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपके मोबाइल में जो फ़ोन ऐप होता है ना, ये देखिए, ये जो फ़ोन ऐप है, इस फ़ोन ऐप के अंदर आपका जो डायल पैड होता है ना, डायल पैड पे जो काउंटिंग लिखी होती है 0 से लेकर 9 तक की, उस डायल पैड में अगर आप जो है कोई भी की बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा डायल पैड से, ठीक है। तो ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद आपके डायल पैड से साउंड क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके लावा जेड वन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को, यानी कि डायल पैड टोन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फ़ोन में। आपको करना क्या है, मोबाइल का सेटिंग पे जो ओपन करना है, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है डायल पैड टोन, ठीक है। तो यहां पर आप टाइप कीजिए डायल पैड टोन इस तरीके से, तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं डायल पैड टोन, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे इस तरीके से ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जब ये ऑप्शन शो हो जाता है नीचे की साइड, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है सेटिंग को ढूंढने का।